हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रोजेक्ट वर्क में दिए गए एक क्वेश्चन की दो बैलों की कथा का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन हमने दिया है और ये चैप्टर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो ये कहानी रीडिंग हो चुकी है, अब इसका हम आपको पाठ का सारांश यानी पाठ का सार हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इस कहानी का जो सारांश है स्टूडेंट, वो ये है कि इस कहानी में दो बैलों के आपसी तथा किसान परिवार के संबंधों को उभारा गया है। लेखक ने बैलों के माध्यम से बताया है कि आज़ादी किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। ठीक है स्टूडेंट्स, आज़ादी किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। इन दोनों का आपस में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करते और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते थे। दोनों साथ साथ चारा खाते थे। झूरी ने दोनों बैलों को अपने साथ अपने साले गया को दे दिए। बैलों को घर छोड़कर जाना अच्छा न लगा, वे भागकर फिर घर आ गए। झूरी का साला बैलों को दोबारा ज़बरदस्ती घर ले गया। वहाँ इनसे खूब मेहनत करवाई और खूब मारपीट की। खाने के लिए सूखा भूसा दिया। इसी घर में रहने वाली छोटी लड़की रोज़ छिपकर दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी। एक दिन लड़की ने दोनों बैलों की रस्सी खोल दी, बैल भाग गए। रास्ते में उन्होंने भरपेट मटर खाए। खेत में से वे एक सांड से भिड़ गए, तभी कुछ किसान आए और दोनों को पकड़ लिया। अब हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़कर वहाँ रहने वाले घोड़ी, बकरे, गधे आदि को भगा दिया। हीरा ने रस्सी न खुल पाई तो मोती भी अपने मित्र की खातिर न भागा, इसलिए अगले दिन उन दोनों बैलों को बेच दिया गया। उन्हें खरीदने वाला एक दड़ियल आदमी जब उन्हें ले जा रहा था तो हीरा और मोती का रास्ता पहचान लिया, यानी हीरा और मोती जिस रास्ते से जाते आते थे उन्होंने पहचान लिया उसको। दोनों भागकर झूरी के घर आ गए। दोनों ने दड़ियल को डरा भगाकर भगा दिया। झूरी ने दोनों को प्यार किया, खली, चोकर, दाना आदि खाने को दिया और मालिक ने भी दोनों के माथे चूम लिए। अर्थात इस कहानी का सारांश स्टूडेंट ये है कि आप एक जानवर की जो अपने मालिक के प्रति वफादारी है और मेहनत से काम करने की जो लगन है, उसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें प्रकाश डाला है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के माध्यम से इस सारांश का, इस कोर्ट पाठ का सारांश आप लिख सकते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से इसको कंसिडर किया गया। तो आप इस प्रोजेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।